एलोझेलो गजा बंगालियों का एक ट्रेडिशनल मिठाई है। इसके कई नाम हैं, कोई इसे बोलते हैं एलोझेलो गजा, कोई बोलते हैं एलेबेले गजा, कोई बोलते हैं कामरंगा गजा। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। हेलो एवरीवन, कुकिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डोना। तो चलिए मिलके बनाते हैं बंगाली ट्रेडिशनल स्वीट एलोझेलो गजा। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप मैदा। यहाँ मैं दे दूँगी थोड़ा सा नमक और दूंगी मैं 3 टेबलस्पून घी। और घी की जगह में आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अभी घी के साथ मैदा को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे मोयान बोलते हैं, तो मोयान जितना अच्छा होगा गजा उतना ही टेस्टी क्रिस्पी बनेगा। ये आप देख सकते हैं, ऐसे मैं मुट्ठी बनाऊँ तो ये मुट्ठी का शेप ले लेगा, फिर मैं उसे दबा दूँ तो ये टूट जाएगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त आटा गूंथ लूंगी, और पानी रूम टेम्परेचर वाला है। और रोटी पराठे जैसा नरम आटा हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा सख्त आटा हमें चाहिए। ये आप देखिए, मैंने आटा गूंथ लिया है, थोड़ा सा सख्त रखा है मैंने आटा। अभी इसे ढक के मैं आधा घंटे के लिए इसे साइड में रख दूंगी, और तब तक मैं इसके लिए चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप चीनी, और उसके साथ में मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी, मतलब 1:1 का रेशियो है चीनी और पानी का। अभी मैं चीनी को मेल्ट होने दूंगी, और बीच बीच में हमें इसे चलाना है, नहीं तो चीनी नीचे से लग सकता है। और इसी टाइम में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 इलायची, इससे बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप देख सकते हैं चीनी घुल के ये उबलना भी स्टार्ट हो गया है। अभी इसे मुझे 6-7 मिनट तक इसे उबालना है। हमें 1 तार का चाशनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं मेरा 1 तार का चाशनी बिल्कुल रेडी है। 6-7 मिनट मैंने इसे उबाल लिया है। अभी मैं इसे ढक के साइड में रख दूंगी, और हमारा आटा भी बिल्कुल सेट हो गया है। अभी मैं यहाँ से पेड़े तोड़ लूंगी। पूरी हम जैसे बनाते हैं उसी साइज का हमें पेड़े तोड़ने हैं। छोटे छोटे मैं इसे काट लूंगी। अभी इसे मैं पतली सी पूरी बेल लूंगी, और हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो ये अच्छा क्रिस्पी खस्ता नहीं बनेगा। तो पतला बेलना है हमें इसे। तो मैं इसे अच्छी तरह से पतला करके मैंने पूरी के शेप में बेल लिया है। अभी हम इसे काटेंगे, तो ऊपर से नीचे से 1-1 सेंटीमीटर छोड़ के हमें इसे काटना है, और बीच में भी 1-1 सेंटीमीटर का गैप मैंने रखा है। इसी तरीके से 1-1 सेंटीमीटर गैप में मैं इसे काट लूँगी। और 2 कप मैदे से मेरा 18 से 20 गजा बने हैं, तो मैंने पूरा काट लिया है इसे ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा छोड़ के। अभी हम इसे फोल्ड करेंगे, इसी तरीके से घुमा घुमा के हमें इसे फोल्ड करना है। और साइड का पोर्शन जहाँ मैंने नहीं काट किया है वहाँ से हमें इसे चिपकाना है। अब देख सकते हैं ऐसा करके फोल्ड करके हमें इसे चिपकाना है, और हमें इसे बहुत अच्छी तरह से चिपकाना है, नहीं तो ये जब तेल में हम फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी है 1 गजा, और ये भी बहुत पतला है, लेकिन हम जब ऑयल में डालेंगे तो ये फूल जाएगा और सारे पार्ट इसके अलग हो जाएंगे। तो मैं और एक दिखा देती हूँ आप सबको। इसी तरीके से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इसे काटना है और फोल्ड करना है, और साइड में हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से चिपकाना है, नहीं तो ये खुल जाएगा तेल में जाके ही। दबा दबा के इसे चिपका देना है। ये रेडी है हमारा कामरंगा गजा। इसी तरीके से मैंने सारा गजा काट के फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसे तलेंगे। तलने के लिए मैंने तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है, और अभी फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम हीट पे ही हमें इसे तलना है, नहीं तो ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी नहीं होगा, ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। और 4-5 गजा ही मैंने एक साथ में तला है, ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा तो अच्छी तरीके से नहीं फूल पाएगा। ये आप देख सकते हैं तेल में देते ही ये कितना फूल गया है, और इसके सारे पार्ट अलग हो गए हैं। इसी तरीके से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। ये देखिए मेरा गजा एकदम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ, और ठीक इसी तरीके से मैंने सारा गजा तल लिया है, और उसे रूम टेम्परेचर पर मैंने ठंडा कर लिया है। और ये चाशनी भी मेरा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे हल्का गरम कर लिया है, और हल्का गरम चाशनी हमें चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं लेकिन थोड़ा सा गरम हमें चाहिए।
अभी एक एक गजा को मैं चाशनी में डालूंगी, 10 सेकेंड के लिए मैं इधर उधर पलटूंगी इसको, फिर हम उसे निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो चाशनी है इसमें उसे भी मैं झाड़ लूंगी, नहीं तो ये ज़्यादा मीठा लगेगा खाने में। ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा चाशनी में इसे निकाल लूंगी और एक प्लेट में मैं रखूंगी। ठीक इसी तरीके से मैं सारे गजा को चाशनी में डाल के निकाल लूंगी। जस्ट 10 सेकेंड के लिए हमें इसे इधर उधर करना है, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है और चाशनी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एकदम नरम हो जाएगा गजा, खस्ता नहीं बनेगा। तो हल्का गर्म चाशनी हमें चाहिए। ये मैंने सारा गजा को चाशनी में डिप करके रख लिया है, अभी इसे मैं रूम टेम्परेचर के में सेट होने दूंगी आधे घंटे के लिए। ये मेरा येलो झेलो गजा बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं हल्का सा चाशनी का कोटिंग आया है इस पर और ये एकदम ड्राई है और आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के महीनों तक खा सकते हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट पे बताइए आपको कैसा लगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।